ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 37 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲਾਹਣ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਤਕੀਪੁਰ रतोके अते टडरिया नूं सील कर दिता गया। लुधियाना दे पेंट व्यापारी दी गिरफ्तारी लगातार छापेमारी भी की जा रही है। राजी के पेंट व्यापारी राजेश जोशी मुख मुलजम दस्या जा रहा है जिसकी भाल की जा रही है। जहरीली शराब करके मरन वाले की गिनती हुण 108 ते पहुंच गई है। इकले तरन तारण विच ही 82 मौतां हुण तक जहरीली शराब करके हो चुकिया ने। दस दी कि बटाला ते अमृतसर विच 13-13 मौतां होईयां ने। बीते दिन 5 होर व्यक्तियों की मौत की जानकारी मिली। जहरीली शराब मामला जो कि लगातार गरमांदा जा रहा है और हुण इस मामले जिस तरह नाल ए मौतां इन्नियां वड्डे पद्धर ते होईयां ने सो पुलिस वालों हुण अपनी कार्रवाई की जा रही है। सो 12 होर लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 37 गिरफ्तारियां हुण तक होईयां ने। संगरूर ते लाहण ते नजायज़ शराब दीयां भट्ठियां भी पुलिस ने बरामद कीतियां ने। नवीन शर्मा सरना लुधियाना तो जुड़ चुके हैं। नवीन 108 लोगों की हुण तक मौत हो चुकी है और लगातार जड़ा है हुण पुलिस की सख्ती जरूर नज़र आ रही। पुलिस की सख्ती नज़र आ रही है और लगातार जड़े सतलुज दरिया के कंढे ते लाहण भी जड़ा है बरामद किया जा रहा। कई मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। राधा जदों अजिहियां हादसे होंदे ने हुण इन्नियां मौतां हो चुकियां 100 तो उपर मौतां दा आंकड़ा हो चुकिया। हुण पुलिस भी हरकत च आई है, सरकार भी हरकत च आई है और पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल महकमा अगर पहले ये कार्रवाई हुई होंगी तो किधरे ना किधरे जिहड़ियां एडियां मौतां ने वो रोकिया जा सकता सी। लुधियाने तो भी एक व्यापारी जिहड़ा राजेश जोशी पेंट की दुकान करता क्योंकि लुधियाना नाल भी तार जुड़ रहे हैं। पूरे पंजाब के अलग अलग शहरों के नाल तार जुड़ रहे हैं, चाहे वह राजपुरा चाहे वह लुधियाना चाहे वह कोई भी लुधियाने का जिला है, वो तार लगातार जुड़ रहे हैं। लुधियाना दे विच 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया और जिहड़ा एक पेंट व्यापारी है राजेश कुमार वो हजे फरार है, पुलिस उसकी भाल कर रही है। पर सवाल यही खड़ा होंदा कि इसका जिम्मेवार कौन है, सरकार क्यों नहीं ध्यान दिता। सरकार ने पहले जिहड़ा पुलिस प्रशासन है चाहे किसी भी जिले का लोकल पुलिस प्रशासन है उसने ध्यान क्यों नहीं दिता। बटाला जंडियाला गुरु और जिदा इत्थे मौतां होईयां ने जहरीली शराब के नाल जिन्हां दे घर दे जी उजड़ गए ने, उस तो बाद हुण पुलिस ते सरकार एक्शन च आई है। पंजाब दे मुख्यमंत्री ने DGP नूं सीधे सीधे आदेश दिते ने कि सख्ती नाल कार्रवाई की जाए, पर अफसोस इन्नियां मौतां होण तों बावजूद हुण सख्ती वरती जा रही है और लुधियाना दे विच भी हुण जिहड़े आरोपी ने उन्हां दी तलाश की जा रही है लुधियाना पुलिस वालों, क्योंकि जिहड़ा पेंट की दुकान का काम करता एक व्यापारी राजेश जोशी उसका नाम ही बच आया और उसकी भी शमूलीयत बच आई है क्योंकि जेडे ड्रम है क्योंकि कैमिकल युक्त शराब सी पूरी जी जहरीली शराब है और लुधियाना तो भी ये जेडे ड्रम है ये उतों तक पहुँचे ने और लगातार हुण जी है रमेश जोशी की तलाश की जा रही है। पर 12 लोगों पर हुण तक मामले जोड़े ने दर्ज हो चुके हैं लुधियाना के भी और लोगों की भी पुलिस तलाश कर रही है। और 50,000 लीटर असी कल भी एक खबर नशर की 50,000 लीटर सतलुज दरिया के कंढे ते लाहण बरामद हुई, पुलिस एक्शन में आई और सतलुज दरिया के अंदरों वो जड़ी है लाहण बरामद की गई। पर ये सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन को पहले पता सी क्योंकि उस तो बाद जो ये हादसा होया जो ये इन्ने लोगों की मौत हुई तो एंटी स्मगलिंग जो सैल है लोकल पुलिस लुधियाना वो फटाफट उस एक्शन लैंदी है और हुण पंजाब के अलग अलग हिस्सों के लाहण पकड़ी जा रही है और छापेमारी की जा रही है। पर हुण इन्नियां मौतां होण दे बावजूद क्योंकि पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल खुद महकमा है उन्होंने कोल कोई दो राय नहीं कि यह किसी भी लोकल पोलिटिकल जिहड़े लोग ने उन्हां दी शह ते यह काम नहीं हो सकता। जिहड़ी जहरीली शराब लगातार पंजाब दे विच वेची जा रही है ਉਹ ਕਿਦਰੇ ਨਾ ਕਿਦਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल जिस तरह के नाल दुल्लो ते तृप्त रजिंदर बाजवा ने पंजाब के गवर्नर नूं एक मंग पत्र दिता और उस दे विच आख्या कि
जिहड़ा भी कोई भी अगर इस दे विच शमूलियत हुंदी है क्योंकि सरकार उन्हां दी है, सरकार दे खुद नुमाइंदे सड़कां ते उतरन शुरू हो चुके ने क्योंकि एड्डी वड्डी आंकड़ा जिहड़ा मौतां दा वह कितने ना कितने दुखदायक है क्योंकि जिन्हें लोगों के घर के चिराग उजड़े ने ज किसी की भैन का भरा की मौत हो गई है किसी के माँ के पुत की मौत हुई है वह कितने ना कितने ये ना पूरा घाटा होने वाला वो परिवार वास्ते है पर हुण सरकार दे खुद जिहड़े राज्यसभा मैंबर है वह सड़कों के उतरने शुरू हो गए ने गवर्नर खुद मंग पत्र दे रहे हैं कि जिहड़ी सरकार है चाहे सरकार का कोई नुमाइंदा उस उत्ते एक्शन लिता जाए गवर्नर मंग पत्र दिता गया सो कितने ना कितने सरकार हुण घिरदी नज़र आ रही है चाहे वह विरोधी पार्टियां ने क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने राधा पहले ही ये शराब नू लैके सीधा सीधा ये आरोप सरकार ते लाई सी कि शराब दे जिहड़ा एक्साइज आ उसनू इकट्ठा करन वास्ते लगातार जिहड़ी पंजाब दे विच चाहे वह ठेके खोले जा रहे हैं किधर ना किधरे उन्होंने पहले ही श्रोमणी अकाली दल ने शंका जताई सी कि पंजाब दे विच जहरीली शराब जिहड़ी है वेची जा रही है सड़कां ते भी उतरे सी और गल उही होई कि उस तो बाद जिस तरह के नाल मौतां होईआं ये इन्ने सौ तो उपर मौतां होईआं उस तो बाद हुण सवाल सरकार ते खड़े होने लाजमी है और आने वाले दिनों दे विच सरकार दे खुद नुमाइंदे आप सड़कां ते उतरनगे और सरकार नू पहले सख्ती दिखानी चाहिए सी पहले सख्ती अगर दिखाई होंदी बिल्कुल इनिया मौत जड़िया ने हूँ बच सकता सी इनिया जाना जड़िया ने बचाइया जा सकदिया ने सी बहुत वड्डी हूँ जवाबदेही सरकार दी खास तौर पर मुख्यमंत्री जिन्हां ते लगातार निशाने साधे जा रहे हैं उन्हां दी बनती है बहुत बहुत शुक्रिया नवीन फिलहाल दी इस सारी जानकारी दे लई सो फिलहाल जो पेंट व्यापारी राजेश जोशी जिस की मुख मुलजम दस्या जा रहा है उसकी भाल लगातार की जा रही है लगातार हूँ पुलिस वालों सख्ती करदिया होया छापेमारी की जा रही है।